बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बाबा जी मेरे को ना नवंबर में इवेंट हो गया था। हाँ। तो डॉक्टर पास गया मैं, उनने बोला आपका ना हिप चेंज होगा पूरा लेफ्ट साइड का एक साइड। फिर उनने कहा आपने टेस्ट कराओ, एचएलवी 27 होता है टेस्ट, पता है एकलौंजी का। हाँ, तो वो करवाया, वो पॉजिटिव हो गया मेरा। मैं क्या ये होता क्या पता नहीं मेरे को, तो फर्स्ट टाइम इस चीज सुनी बीमारी मैंने। तो फिर ये एचएलवी 27 एक टेस्ट होता है, उसमें जो है ये हड्डियों का जो मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है उसी का एक टेस्ट होता है। फिर तो बाबा जी फिर मैंने देखा यूट्यूब पर, देखा बातचीत करी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि तुम हाँ चलो पतंजलि एक बार। मैं बहुत देखती हूँ चलना चलने को बाबा रामदेव को, मैं तो रहने दे, मैं तो दिसंबर बुक करूंगा जनवरी बुक करूंगा फरवरी में। तो लड़ती कुत्ती तुम चलते क्यों नहीं हो, मैं चलो। तो हमने टिकट बुक करी, परसों आए थे हम। तो कल से मैं घोटू बहुत राहत है इसमें ना, कुटर हुई होती घोटों की, मुझे बहुत दर्द आता, बहुत राहत है इसमें। लो कितने दिन में बेटा? और कल कराई थी मैंने ये, यहाँ पे सर पे का 2 ही दिन में। जी बाबा जी लो 2 ही दिन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया बालक को। और जबकि ये तो कोई फोर्स करके लेके आए इसको, चल तू एक बार क्यों काटा पीटी करवा रहा है। कल मेरे से पूछ रहा था बाबा जी मैं सच में ठीक हो जाऊंगा ना, आराम तो होना शुरू हो गया। मैंने कहा बेटा हो जाएगा, थोड़ा हौसला रख, अब 2 ही दिनों में इसको ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। जवानी में चीजें जल्दी ठीक हो जाती हैं, बुढ़ापे में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एवियन, ये एचएलवी 27, आरए, सीआरपी, कोई ऐसी चीज नहीं जो ठीक नहीं होती। मैंने तो 2000 तक दिन का बढ़ गया था आरए सीआरपी, उनको ठीक किया। एचएलवी 27 बेटा जो टेढ़े मेढ़े आ गए थे ना सुपर मुर्गे की तरह, उनको ठीक किया है। तुमने देखा है वीडियोस यूट्यूब पे? हां देखा तो मैंने, ऐसे हो जाता है कमर से। मैंने कहा मेरा क्या होगा आगे जाके। तो मैं इसमें फिर कंटिन्यू 3 महीने से योगा एक्सरसाइज पर डे करता हूं 2-3 घंटे। चल बेटा चलता हूँ बाइक पे, तो प्रणाम करता हूँ चलते बाइक पे भी कमर बात करता जैसे मिलता करता हूँ ऑफिस में। बस बेटा धीरे धीरे करना है ना, बाइक भी घड्डिया बहुत है स्पीड ब्रेकर उसमें, बिल्कुल बाइक चलाते हैं आराम से ना पास में ऑफिस। चलो देवेंद्र के लिए अभिनंदन है, इस बच्चे ने हौसला रख करके आ गया। अब मुझसे ना कोई ऐसे योगा करा, सब योगा कर लेता हूँ, कोई कैसे योगा उठा बैठी कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी ना बेटा। धीरे 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 आगे बढ़ना, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है बाबा जी प्रणाम। हाँ।